यहाँ पे लोग सोते नहीं है यार एक तो। और तो भाई अगर आपको भी ऐसी टी पीनी है तो मेरे साथ वियतनाम आ जाओ। तो ब्रो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं इवनिंग में भी निकल चुका हूँ दोबारा ब्लॉगिंग करने, क्योंकि यहाँ पे लोग सोते नहीं है यार एक तो, और दूसरी बात ये कि मतलब स्ट्रीट हमेशा 24 घंटे भरी रहती है यहाँ पे। आज भी यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है, तो अभी मैंने आपको जैसे थोड़ा बहुत कुछ दिखा रहा हूँ मैं। तो भाई अभी तो ये जैसे यहाँ पे टी वगैरह है जो फ्री में मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो पता नहीं कोई टी है वो नवी लॉन्च हुई है क्या हिसाब है मुझे नहीं पता, बट अपने को पीने से मतलब है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और ये ढक्कन जो है उसका कैप जो है वो अपने पास रख रहे हैं, पूरी बॉटल दे रहे हैं। तो अभी हम चले हुए हैं स्ट्रीट पे ही सब कुछ। तो भाई बहुत अच्छी स्ट्रीट लगी हुई है यार, लोग बड़े प्यारे प्यारे से हैं यहाँ पर। तो अभी देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है, और इनका कोई सिंगर है कोई फेमस, मेरे ख्याल से कोई लोकल सिंगर होएगा, उसने भी वहाँ पे लगाया। और यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसे प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं अपना। तो तो भाई स्ट्रीट ऐसी कुछ भरी पड़ी है, मैं और दिखा देता हूँ आपको, देखो ज़रा। ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा रखेंगे, बट ये है कि अभी आपको यहाँ की जो नाइट लाइफ की स्ट्रीट्स हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो बहुत सारा लोग तेज भी चलते हैं, तो उस करके मुझे तेज भी चलना पड़ रहा है। वेट तो भाई अगर आपको भी ऐसी टी पीनी है तो मेरे साथ वियतनाम आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो है हमेशा 7 बजे के बाद ऐसे फ्री में सब कुछ सर्व किया जाता है। और ये बच्चे जो है टीज के कैप, टी बॉटल के कैप जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे ऐसे रखे हैं, मेरे भी यहाँ के नहीं रहेंगे, मुझे ये फ्री में मिल गया। Quay clip và chú này đã rút thẳng hai tay không để người đấy một tay được chạm vào. 5 minutes. Trả trường bữa nay ngon nhở? Như thế à? Quay nhá.
तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, डेली रात को ऐसे ही रहता है अभी तो। और क्या है कि कल एक मैराथन होने वाली है यहाँ पे, तो उसके लिए भी बड़ा क्रेज़ है लोगों को मैराथन के, मैराथन रनिंग तो फिटनेस के रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और रोड्स यार बहुत ज़्यादा सेफ है, मतलब क्या ही बोलूँ ना, मतलब इतनी सेफ तो मुझे नहीं लगता कि अपनी इंडिया की भी रोड्स होंगी, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस सब चीज़ों का क्रेज़ है। और देख सकते हो यहीं पे सिर्फ ट्रैफिक आ रहा है, उस रोड पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं जाएगा कल सुबह तक या मे बी, हाँ ऐसे ही कुछ है। तो और बाकी कल देखते हैं, कल मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। और तब तक के लिए भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, इस वीडियो को शेयर भी कर दो अगर अच्छी लगी है तो। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन अभी जो इस स्ट्रीट पे आ चुका है या आने वाला है इस ब्लॉग को देखने के बाद या देखने से पहले। तो टिल देन, गुड बाय।